नाकामी से हताश हो जाएं, जो असफलता से मायूस हो जाएं, उसे जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन जो लोग हर चुनौती का धैर्य से सामना करते हैं, उन्हें कामयाबी जरूर हासिल होती है। फोर्ड मोटर्स के संस्थापक हेनरी फोर्ड भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने नाकामी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। बार बार असफल होने के बावजूद हेनरी फोर्ड ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1963 को अमेरिका के मिशिगन प्रांत में हुआ था। उनके पिता किसान थे और माँ गृहिणी थी। 6 भाई बहनों में फोर्ड सबसे बड़े थे। बचपन से ही उनका लगाव मशीनों से था। वो रात के वक्त मशीनों की मरम्मत में जुटे रहते थे। पिता उन्हें खेती में लगाना चाहते थे, लेकिन मशीनों के लगाव की वजह से 16 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड डेट्रॉइट जा पहुंचे। डेट्रॉइट में 2 कंपनियों में काम करके उन्होंने मशीनों के बारे में बारीकी से सीखा। हेनरी को बहुत कम वेतन मिलता था। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए वो रात के वक्त घड़ी रिपेयर करने का काम करते थे। इससे उन्हें हर हफ्ते $2 ज्यादा मिलते थे। मशीनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद हेनरी फोर्ड मिशिगन वापस लौट आए। यहाँ उन्होंने एक के बाद एक 5 बिजनेस शुरू किए, लेकिन किसी में उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। बार बार नाकामी मिलने के बावजूद हेनरी ने हार नहीं मानी और वो लगातार कोशिश करते रहे। १८९० में हेनरी ने डेट्रॉइट एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1893 में उन्होंने पेट्रोल से चलने वाली पहली कार बनाई। इस कार की रफ्तार 25 मील प्रति घंटा थी। आगे चलकर 1899 में हेनरी फोर्ड ने नौकरी छोड़कर डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी को सफलता मिलने लगी और अब ये कंपनी रेस में दौड़ने वाली गाड़ियां भी बनाने लगी। इसके बाद ही हेनरी फोर्ड की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हेनरी फोर्ड की कारें रेस में अव्वल आने लगी और फोर्ड का नाम ऑटोमोबाइल में मशहूर हो गया। आगे चलकर 1903 में उन्होंने फोर्ड मोटर्स की स्थापना की। हेनरी फोर्ड का मकसद था ऐसी कारें बनाना जो तेज रफ्तार वाली हों और इतनी सस्ती हों जिसे हर कोई खरीद सके। उन्होंने सिर्फ रेस वाली गाड़ियां ही नहीं बनाई, बल्कि खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर भी बनाए। धीरे धीरे फोर्ड की गाड़ियां अमेरिका से बाहर दूसरे देशों में नाम कमाने लगी। अब फोर्ड दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में शुमार है। हेनरी फोर्ड ने अपनी मेहनत और लगन से फोर्ड कंपनी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से आज वो कामयाबी की मिसाल बन चुके हैं।